वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्डन लिस्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ जो है हम सभी के लिए ज़रूरी है, ऐसा हम जानते हैं। राइटर इसके अंदर हमें क्या कहना चाहती है, किस चीज़ के बारे में बताना चाह रही है, ब्रीफली हम इसको समरी के रूप में देखते हैं। चैप्टर की मैं शुरुआत करती हूँ, जिसमें लेखिका जो है वो एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, वो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हमें बताना चाह रही है। पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, कैसे उसे प्राप्त किया जाता है, किन किन चीज़ों को अपनाना है और किसे अवॉइड करना है, इन 4 बातों पर लेखिका हमें इस चैप्टर में संदेश देती है। साथ ही ये बताती है कि इंसान को हर एक चीज़ पर डॉक्टर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालांकि लेखिका खुद भी डॉक्टर है, लेकिन वो ये कहती है कि इंसान को हर एक छोटी चीज़ पर लेते हुए डॉक्टर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घरेलू नुस्खों को अपना कर भी अपनी बीमारियों को सही कर सकते हैं। वो क्या है, कैसे है, पूरा हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करती हूँ मैं चैप्टर की नाम से। जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक हेल्थ को बोलते हैं अपना स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है शरीर से तो स्वस्थ रहना ही रहना, पर दिमागी रूप से भी इंसान का स्वस्थ होना ही पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है। अगर एक इंसान शरीर से बड़ा हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, पर मानसिक रूप से वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो वो पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। लेखिका भी ये कहती है कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब ही यही होता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव हेल्थ के अंदर आप माने जाएंगे। राइटर्स जो पोइट्रेस है या कह सकते हैं जो लेखिका है, वो कई सारे पॉइंट्स को लेते हुए यहाँ पर डिस्कशन करती है। सबसे पहले वो यही पूछती हैं कि पॉजिटिव हेल्थ होता क्या है। तो राइटर खुद ही बताती हैं कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, तनाव रहित रहने चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार के आपके दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो आप पॉजिटिव हेल्थ के अंदर आते हो। साथ ही आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर पाई जाती है, आपके शरीर में और आपके मस्तिष्क में, तो ही आप पॉजिटिव हेल्थ के अंदर काउंट किए जाओगे। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं हो। अब लेखिका बात करती है कुछ पॉइंट को लेते हुए। सबसे पहले फिजिकली हेल्थी, हमें फिजिकली हेल्थ तो बनानी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, पूरी तरीके से मेंटेन करना है, पूरी तरीके से जैसे हम लोग योगा, मेडिटेशन, वॉक या फिर खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, वो तो शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखेगा, पर मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखने के लिए दिमाग को पूर्ण रूप से एकांत के अंदर थोड़ा मनन करना चाहिए, दिमाग में शांति रखनी चाहिए, टेंशन को हटा देना चाहिए, स्ट्रेस को रिमूव कर देना चाहिए दिमाग से, ठंडे दिमाग को काम में लेना चाहिए। कुछ ऐसा करके हम अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो राइटर यही कहती है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ पर भी क्या होना चाहिए, ब्रेन पर भी क्या होना चाहिए, असर रहना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, हेल्दी रह पाओगे। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ग्रसित है, भरा पड़ा है टेंशनों से, पर शरीर एकदम स्वस्थ है, तो भी आप पॉजिटिव हेल्थ नहीं अपना पाओगे। राइटर बात करती है कुछ देशों की। राइटर कहती है हमारे भारत में लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन फिर भी वो तनाव ग्रस्त है, हमेशा तनाव में डूबे रहते हैं, परेशानियों को झेलते रहते हैं, इसलिए उनका मानसिक विकास जो होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता, या कह सकते हो हर वक्त वो टेंशन में रहते हैं। जितनी ज़्यादा आप टेंशन लोगे, उतनी ज़्यादा आपके शरीर में बीमारियाँ और ज़्यादा लगेगी। इसलिए अगर इंसान स्ट्रेस में रहता है, परेशान या टेंशन में रहता है, तो ये 2 फिक्स बीमारियां होती है जो हर एक इंसान के अंदर शुरू से ही लग जाती है। एक बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, दूसरा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी आजकल एक कॉमन बात हो चुकी है, एक आम बात हो चुकी है, हर किसी को आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि इंसान छोटी ही उम्र में, कम उम्र में ही टेंशनों को पालना शुरू कर देता है, दिमाग पर जोर लगाता है, उनका सोल्यूशन नहीं होने पर इंसान बहुत ज़्यादा चिंता या डिप्रेशन में चला जाता है, जिस वजह से उनको ये कॉमन बीमारियां हो जाती है। साथ में इसमें शुगर भी शामिल है, वो हर किसी को आजकल आप देखते हैं घर में, हर इंसान को होती है। तो राइटर भी ये कहती है कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियों से तो छुटकारा अपने आप ही मिल जाएगा, इसलिए बीमारियों को ना पालें, दिमाग में टेंशन स्ट्रेस को नहीं रखें, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अपने हेल्थ को ख्याल रखें, हेल्थ का। अब राइटर बात करती है डेवलप कंट्री की।
कुछ ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से विकसित है। भारत से अगर मैं बाहर के देशों की बात करूं तो उसमें अमेरिका, जापान, रशिया, ये सारे देश हमारे भारत से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अगर एक ही कंट्री की बात करूं तो यूएस है, तो यूएस वाले लोग हेल्दी तो बहुत रहेंगे क्योंकि वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन काम का लोड इतना ज़्यादा उन पर रहता है, लोनलीनेस होती है उनमें, अकेलापन होता है क्योंकि घर और फैमिली और परिवार से दूर रहते हैं, रिश्तेदार दोस्तों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, इसलिए वो अकेलेपन में घुटते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। फिजिकली बहुत फिट एंड फाइन दिखेंगे पर मेंटली रूप से वो तनावग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस में डूबे रहते हैं, और अकेलेपन होने की वजह से डेवलप देश जो है, विकसित जो देश है, उनमें लोग फिजिकली तो फिट रहेंगे पर मेंटली रूप से वो इल रहेंगे, मेंटली रूप से वो परेशान या हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। इसलिए ही लेखिका कहती है कि हमें फिट रहना है, फिजिकली तो रहना ही रहना है, पर साथ में जरूरी है कि मेंटली रूप से भी आप फिट रहो, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के अपने जीवन को जियो। लेकिन डेवलप कंट्री, विकसित देश में ऐसा नहीं है, लोग हेल्थ तो बना रहे हैं, अपना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे, ध्यान रख रहे हैं, पर फिजिकली बना रहे हैं ओनली, मेंटली हेल्थ को वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं। इसका कारण एक लोनलीनेस भी बताया गया है, एक अकेलापन भी बताया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंजॉय बेटर हेल्थ। यही राइटर्स कहती है, ये लेखिका कहना चाह रही है कि इंसान जो है अपनी हेल्थ को एंजॉय करता है, अच्छा खाता है, पहनता है, फिट एंड फाइन रहता है, पर क्या वो शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी उतनी ही तरीके से इंप्रूव करता है जितना वो शरीर को कर रहा है? शरीर और बॉडी और हमारा दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं, हमारी ही बॉडी में लेकिन दो अलग अलग पार्ट हैं। दिमाग में टेंशन्स को लेना, डिप्रेशन में जाना, फिजिकली फिट रहना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी आप पॉजिटिव हेल्थ को नहीं अपना पा रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब ही यही होता है कि दिमाग और शरीर दोनों एक जैसा होना चाहिए, दोनों स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप पॉजिटिव हेल्थ में आते हो। अब हम बात करते हैं लाइफ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। विदेशों में रहने वाले लोग साफ सुथरे एरिया में रहते हैं, क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ अपनी जिंदगी को बड़े एंजॉय करके जी रहे होते हैं, कंफर्टेबल जी रहे होते हैं, पर क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जितने ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, जितने ज़्यादा आप काम में बिजी रहेंगे, फिजिकली आप फिट रहने की कोशिश कर सकते हो पर स्ट्रेस आपका कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए ही राइटर ये कहना चाह रही हैं कि उतना ही काम ले जितना आप झेल पाए, उतना ही काम करें जितनी आपको ज़रूरत हो, ज़्यादा टेंशन लेकर डिप्रेशन में आकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट राइटर बताती है कि हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान को स्वस्थ रहने की क्या ज़रूरत है? आज का खान पान ऐसा हो चुका है कि इंसान पॉजिटिव हेल्थ को बना ही नहीं पा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई बीमार है। क्यों बीमार है? बच्चे जो हैं शुरू में बचपन पे ही उन पे प्रेशर आने लग जाता है और बच्चे जो हैं नशीले ड्रग्स का क्या करने लग जाते हैं सेवन करने लग जाते हैं, और साथ ही साथ ड्रग लेने की वजह से उन लोगों की क्या होती है, हेल्थ जो होती है पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं पर क्या होता है, पेरेंट्स का दबाव रहता है। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की टेंशन भी रहती है, कमा रहे हैं तो जॉब की टेंशन भी रहती है, अगर शादी हो जाती है तो फैमिली की टेंशन रहती है। तो बचपन से ही बच्चे पर टेंशनों का पहाड़ टूट पड़ता है और बच्चा अपने टेंशन को रिमूव करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेता है, और जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र में ही क्या करने लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं। ड्रग्स बोले हम तो नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाते हैं। इसमें उनके माता पिता का भी बड़ा हाथ होता है क्योंकि माता पिता बच्चों पर अननेसेसरी दबाव बनाते हैं, वो जो नहीं करना चाहते उसे वो भी करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो बच्चे के पास और कोई सहारा नहीं रहता। इसलिए हमारे देश में या बात करें विदेशों में भी बच्चे कम उम्र में ही नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाते हैं, जिसे ड्रग्स कहा जाता है, जिसमें आप एल्कोहल भी शामिल करते हो, कुछ नशीली दवाइयां या कुकिंग वगैरह भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो जब बच्चे ड्रग लेना शुरू करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब चिड़चिड़ाहट से भरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस पूरी तरीके से तनाव के अंदर घिरे रहते हैं। अब तनाव और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए कोई तो सहारा चाहिए ना बच्चों को भी, और वो सहारा बना लेते हैं वो गलत आदतों को, और वो गलत आदत होती है उनकी शराब पीना, ड्रग्स लेना या फिर कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करना, जिस वजह से कच्ची उम्र में ही बच्चे मानसिक विकास को खो देते हैं क्योंकि वो उसी में ही क्या करते हैं, उलझे रहते हैं। एक बार ड्रग्स की आदत लेने के बाद बच्चे उसके आदती बनने लगते हैं, धीरे धीरे उनका मन करता है कि एक बार और लूँ, फिर एक बार और लूँ, और उसके बाद वो उसकी लत पड़ जाती है और वो बाद में बहुत जल्दी से छूटती भी नहीं है। तो यही लेखिका कहती है कि बच्चों पर दबाव ना बनाएं, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार से समझाएं, पुचकार
रहे हैं या कह सकते हो उन्हें का उनका ख्याल रखें, तभी बच्चे क्या करेंगे, गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को फ्रीडम दे दी, उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो कहीं ना कहीं गलत आदतों में पड़ेंगे, नशीले पदार्थ को सेवन करना सीख लेंगे, जिस वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस जो उनके दिमाग में पहले से है उसे वो रिमूव करने की एक तरीका बना लेते हैं। तो राइटर भी ये कहती है कि हमें अपना तो ख्याल रखना ही है, पर साथ में अपने परिवार के लोगों का, उसमें विशेष जो हमारे बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं, जो समझदार नहीं है, उनका विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है, ताकि वो किसी भी गलत आदतों में ना उलझे। इसके बाद राइटर बात करती है एक फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग कहा जाए तो हम कह सकते हैं हम दो और हमारे दो। हमारे देश के अंदर अगर हम भारत की बात करें तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग जो है वो तरीके से नहीं की जा रही। एक पति या पत्नी से बहुत सारे बच्चों को किया जाता है, जिस वजह से क्या हो रही है, जन्म दर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर जो है वो कम रह रही है, और हमारे देश की जनसंख्या आप सभी जानते हो कैसे बढ़ती जा रही है। तो राइटर भी यही कह रही है कि देश को स्वस्थ बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, एक औरत को दो ही बच्चों को पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है, हमें भी उसके शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तो इंसान को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में सोचना चाहिए, एक दंपति से दो ही बच्चों का उत्पन्न करना चाहिए, और ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप एक भी कर सकते हो। अगर दो बच्चे कर रहे हो तो दोनों के बीच में 3 या 4 साल का गैप होना ज़रूरी है, ताकि जो वुमेन है, जो औरत बच्चों को पैदा कर रही है, उसको भी अपने बॉडी को रिकवर करने का, बॉडी को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाने का क्या मिल सके, समय मिल सके। इस तरीके से राइटर ये भी कहती है कि एक औरत में जब वो माँ बनती है तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है, और पूरी तरीके से उनका ख्याल रखते हुए, डॉक्टर से सलाह लेते हुए, घरेलू उपचार करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए उन्हें फिर से क्या करना है, रिकवर करना है। तो राइटर इसमें कुछ थोड़ा सा जिक्र फैमिली प्लानिंग के बारे में करती है और कहती है कि जनसंख्या को रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि हम फैमिली प्लानिंग सोच समझ के करें। राइटर ये भी कहती है कि जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही भोजन करें, अति आवश्यक भोजन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है खाने की उतना खाइए, हेल्दी फूड को अपनाइए, हरी सब्जी को खाइए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन कीजिए, ताकि शरीर को चर्बी ना मिले, शरीर को मोटापा ना मिले, बल्कि एक स्वस्थ शरीर का क्या हो, निर्माण हो। तो हमें खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है, ऐसा लेखिका पॉजिटिव हेल्थ में हमें बताना चाह रही है। जैसा हम खाएंगे हमारा दिमाग भी उसी तरीके से एक्ट करेगा, अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा दिमाग भी हेल्दी एंड स्वस्थ रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। अगर हम एनी टाइम जंक फूड खाते रहेंगे, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें खाते रहेंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे, तो हमारा शरीर तो मोटा होगा ही, ओबेसिटी तो बढ़ेगी शरीर में, दिमाग भी उतना ही मोटा होता जाएगा, मतलब दिमाग की सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लेखिका यही कहती है कि पॉजिटिव रहने के लिए आप खाने पीने पर भी विशेष ध्यान दें, साथ में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब तो हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही है। राइटर हमारे अलावा जानवरों का भी एग्जांपल इस चैप्टर में देती हैं, और वो कहती हैं कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो भी अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, इंसानों को छोड़ो अब तो जानवर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने लगे हैं। तो लेखिका ये कहती है कि जानवर भी उतना ही खाते हैं जितनी कि उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, अगर हद से ज़्यादा जानवर खा लेते हैं तो उस रात अगले दिन वो भोजन नहीं करते और घास वगैरह खाकर ही अपना क्या चलाते हैं, काम चलाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में अपच होने लगती है। अगर हम अपच की बात करें तो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर पेट में हमारे डायरिया और स्टमक प्रॉब्लम, पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो हमें झेलनी पड़ती है, डायरिया हो जाता है, या कह सकते हो दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट में जलन या क्रैम्प्स भी आने लगते हैं। तो राइटर भी यही कहती है कि जितना ज़रूरी है उतना ही भोजन करें, अति आवश्यक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको पेट संबंधित अपच या बीमारियाँ भी हो सकती है। ऐसे ही जानवरों के लिए भी है, क्योंकि जानवर का स्ट्रक्चर भी हमारे ह्यूमन बींग की तरह ही होता है, उनकी बॉडी में भी यही सब चीज़ें होती है, क्रियाएँ होती है जो हमारे अंदर होती है। तो जानवर को जब नमक की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी में तो वो मिट्टी को चाटने लग जाते हैं, ये पॉइंट मैंने यहां भी लिखा है, एनिमल लिक करने लगते हैं, लिक करना मतलब चाटने लगते हैं सॉइल को, मिट्टी को, और नमक की मात्रा को क्या कर लेते हैं, मिट्टी में से ले लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में नमक की मात्रा पाई जाती है, एनिमल मिट्टी को चाट कर नमक की मात्रा अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जिससे उनके शरीर की जो भी कमियां हैं वो क्या हो जाती है, पूरी, क्योंकि हमें पता है नमक में आयोडीन होता है और वो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। जैसे हम इंसानों के लिए
जरूरी है वैसे जानवरों के लिए भी है। तो आपके ये क्वेश्चन भी है कि एनिमल कैसे मिट्टी से क्या चीज लेते हैं, तो एनिमल मिट्टी से नमक लेते हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि राइटर आगे कहती है कि हर एक चीज के लिए हमें डॉक्टर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, हर एक बीमारी के पास अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आप अपने स्वास्थ्य को सही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हो। क्योंकि डॉक्टर जो दवाइयां लिखकर देंगे, आप उसे खा तो लोगे, उस वक्त आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन वो दवाइयाँ जो टॉक्सिन्स के रूप में आपके अंदर गई हैं, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म बना देगी। जो यही कारण है कि आपका मोटापा बढ़ता है, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक आने वाली जो कॉमन बीमारियाँ हैं वो हमारे हो जाती है। तो राइटर यही कहती है कि डॉक्टर के पास आप जाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं, समय समय पर ध्यान भी रखें। 40 की उम्र होने के बाद तो रेगुलर आपको अपना क्या करवाना है, चेकअप करवाना ही है, रेगुलर मेडिकल चेकअप। जब आप 40 साल के हो जाओ, उसके बाद तो आपको कहते हैं ना कि हर वीक ही जाकर या हर मंथ में जाकर अपना रेगुलर चेकअप डॉक्टर से करवाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इंसान की स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाता है। साथ ही राइटर ये भी कहती है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन डिजीज हो जाए तो आपको डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो छुआछूत की हो, एक दूसरे से संक्रामित होकर फैल जाती है, तो आपको घरेलू उपचार नहीं करने चाहिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाकर उनसे क्या लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन कहे तो टीकाकरण करवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, दवाइयां हैं तो उन्हें लेनी चाहिए। इस तरीके से राइटर कहती है कि हम अपने स्वास्थ्य को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह लेकर, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर, कुछ हेल्दी खाने को अपनाकर और कुछ हेल्दी एक्सरसाइज करके। ये सब हम करेंगे तो हमारा शरीर तो हेल्दी होगा ही होगा, साथ में हमारा मानसिक जो विकास है वो भी पूर्ण रूप से विकसित होगा, तथा दिमाग भी क्या होगा हमारा, स्वस्थ और एकदम एनर्जी से फुल रहेगा, और हमें काम करने में भी मजा आएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो इस चैप्टर में राइटर ने हमारे साथ डिस्कस किए। राइटर यही बताना चाह रही है कि हेल्दी शरीर के साथ साथ हेल्दी माइंड होना भी जरूरी है, तभी आप पॉजिटिव हेल्थ के अंदर माने जाओगे। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर जो है वो बेसिक समरी के साथ यहाँ पर खत्म होता है। लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई चीजें और भी इसमें मिलेगी। साथ ही राइटर हम सबको भी यही कहती है कि हेल्दी दिमाग को आप बनाए रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिए, जितनी जरूरत है उतना ही भोजन करें, साथ साथ में योगा, मेडिटेशन, वॉक, इन सबको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आप हेल्दी स्वास्थ्य के साथ साथ हेल्दी माइंड को भी डेवलप कर सके। बच्चों की जिंदगी में ये चीज अभी से बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के खान पान का, बच्चों का जो खान पान है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है, जंक फूड वो ज्यादा खाते हैं, और खाने के बाद वो फिजिकली एक्टिविटी भी नहीं करते, बैठे रहते हैं या कह सकते हैं दिमाग पर जोर देते हैं, इसलिए वो कम उम्र में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है। और बीमारियों को दूर भगाने के लिए, स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए बच्चे सहारा लेते हैं ड्रग्स का, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी तरीके से राइटर हमें पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोच रखने के लिए, पॉजिटिव माइंड और हेल्थी बॉडी रखने के लिए क्या करती है, सजेशन देती है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। आंसर, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने को ही हेल्थ कहा जाता है। When we feel secure free from disease, जब हम बीमारियों से अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, एंड लिव इन अ कम्फर्टेबल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और एक स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट में, वातावरण में हम रहते हैं, वही हेल्थ कहलाती है, जिसमें हमें पॉल्यूशन फ्री एरिया मिलता है, मानसिक और शारीरिक रूप से टेंशन भी हमारे दिमाग में नहीं रहती, उसी को ही हेल्थ कहा जाता है, और बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, हम मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आंसर है, ओवर क्लोज इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन मतलब होता है मेल मिलाप रखना या बातचीत करना, ओवर क्लोज इन्फेक्शन विद द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, अगर हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहें, अपने दोस्त या रिलेटिव रिश्तेदारों के साथ रहें, पड़ोसी अड़ोसियों के साथ बातचीत करते रहें, उनसे इंट्रैक्शन बनाकर रखें, तो हमारा अकेलापन दूर होगा और हमारा दिमाग क्या रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। विद मेंबर ऑफ अवर फैमिली, अपने परिवार के लोगों से अच्छे इंट्रैक्शन बनाना, अवर फ्रेंड हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, और इस तरीके से हमारे दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, इन सब से अगर हम इंट्रैक्शन बनाएं तो हम मेंटली रूप से हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि अकेलापन जो होगा वो हमारे बीच में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित देश हैं उनके अंदर वातावरणीय स्थिति कैसी है, मतलब वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। आंसर है, द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप कंट्री इज अ हाई लेवल, विकसित देशों में वातावरण की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, सुधरी हुई है।
पीपल हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट्स, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अच्छा खाना जो है लोगों को प्राप्त होता है, उनके पास काफ़ी पैसा है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा धन अवेलेबल है टू बाय मोस्ट ऑफ द लाइफ कम्फर्ट, जीवन की सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो विकसित देशों में लोगों के पास अनेक बहुत सारा धन है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बड़े आरामदायक तरीके से जी रहे हैं, पर मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है क्योंकि उनके पास अकेलापन है, रिश्तेदार दोस्त फैमिली नहीं है और साथ साथ में डिप्रेशन और काम का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिजिकली बहुत अच्छे हैं पर मेंटली रूप से उनका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा राइटर कहना चाहती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन द डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में वातावरणीय स्थिति जो है उसके क्या लाभ है। आंसर, पीपल इंजॉय देयर बेटर फिजिकल हेल्थ, विकसित देश में लोग अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। दे लिव इन अ कम्फर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, वो एकदम स्वच्छ और साफ सुथरे एनवायरमेंट में वातावरण में रहते हैं। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से अपना ख्याल रखते हैं, मतलब बीमारियों से बच जाते हैं। इस तरीके से विकसित देश में रहने वाले लोग फिजिकली तो बहुत फिट रहते हैं पर मेंटली वो अकेले होते हैं जिस वजह से वो तनावग्रस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द इन्फेक्शन डिजीज बी ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर आपको कोई इन्फेक्शन की बीमारी हो जाए, संक्रामित या छुआछूत की बीमारी, तो आप उसे कैसे ठीक कर पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। आंसर कहता है, द इन्फेक्शन डिजीज कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय वैक्सीन, हमें उसके लिए वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, टीकाकरण करना पड़ेगा। छुआछूत की बीमारी को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, मतलब कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए। There should be a regular treat medical checkup, और उसके बाद अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो 40 साल के बाद आपको डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेनी चाहिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप भी आपको करवाते रहना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र के बाद। तो ये आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिनचर्या बन जाती है कि आपको डॉक्टर के अनुसार ही चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द बेटर हेल्थ इन द डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में हेल्थ के प्रति डॉक्टर का क्या एटीट्यूड रहता है, क्या रवैया रहता है। आंसर है, दे एट्रीब्यूट देयर बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू इम्प्रूव्ड द मेडिकल फैसिलिटी, जो डॉक्टर होते हैं वो साइंटिफिक रीजन बताते हैं और विकसित देशों में मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, नई नई मेडिकल या कह सकते हो कि नए प्रयोग किए जाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य को सही करने की क्या की जाती है, पहल की जाती है। इस तरीके से डेवलप कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लोग बीमार कम पड़ते हैं, यही आंसर है। द एट्रीब्यूट ऑफ द फिजिकल हेल्थ एंड द लार्जली टू बी इम्प्रूव, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है नए नए तरीके अपना कर। करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड नेशन, विकसित जो देश हैं उनमें मानव मूल्य किस तरीके से कम होते जा रहे हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। आंसर, ड्यू टू डिक्लाइन इन द ह्यूमन वैल्यूज मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच ड्रग्स इंडिपेंडेंसी, सबसे पहला जो मानवीय मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर आता है ड्रग डिपेंडेंसी, जो लोग परिवार से अलग रहते हैं उन्हें अकेलापन सताता है और वो लोग जो नशीली चीज़ों का क्या करते हैं, सेवन करने लग जाते हैं और ड्रग्स पर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरा कारण है मेंटल इलनेस, व्यक्ति अकेला रहता है, परिवार के संपर्क में नहीं रहता, पैसे कमाने में जोर देता है तो वो मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाता है, मतलब उसके दिमागी रूप से उसमें बीमारियां भर जाती हैं। और तीसरा इसका कारण है स्ट्रेस, इंसान जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है, तनाव से रिलेटेड बीमारियां उसको लगने लग जाती है जिस वजह से उसका बीपी, शुगर और जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक, ये सब भी आने की संभावना रहती है। इस तरीके से मानव जो है वो पूरी तरीके से नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तनाव में खोया रहता है, साथ ही साथ उसको मेंटल इलनेस भी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्री वेस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा देश विकासशील होते जा रहे हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो अपने रिसोर्सेज को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, या कहें कि लोग अपनी आमदनी पैसों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। आंसर है, पीपल इन डेवलपिंग कंट्री वेस्ट देयर रिसोर्सेज बाय स्पेंडिंग मोर मनी, जितने भी लोग हैं विकसित देशों में वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। खर्च कर किस पे रहे हैं, डॉक्टर्स एंड मेडिसिंस, डॉक्टर के इलाज करवाने पर और डॉक्टर जो मेडिसिंस लिखते हैं उन्हें लेने पर, अदर देन द हेल्दी फूड, और वो लोग हेल्दी फूड को अवॉइड करते हैं, मतलब कि देन ऑन का मतलब होता है कि हेल्दी फूड को अवॉइड करना और उसके जगह डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो मेडिसिंस है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना। क्वेश्चन नंबर
9. What are the benefits of using home remedies to maintain health? घरेलू उपचार करके किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? Answer. First, पहला घरेलू उपचार करने का फायदा है द होम रेमेडीज डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट. सबसे पहला फायदा है कि घर पर किए गए नुस्खों का उपयोग करने से हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता जितना कि हमें दवाइयों से होता है. तो घर के बने चीजों का यूज करने से रेमेडीज मतलब घरेलू उपचार करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता. दूसरा हमारे लिए इसका फायदा है होम रेमेडीज आर नॉट एक्सपेंसिव. और जो घर पर की गई जो होम रेमेडीज घरेलू उपचार होते हैं वो ज्यादा महंगे भी नहीं होते, बहुत ज्यादा सस्ती सी चीजों में ही उसका यूज कर लिया जाता है. इस तरीके से हमें होम रेमेडीज करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ. बॉडी सिग्नल जो हमारे अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को अच्छी तरीके से अचीव करने में हमारी मदद करते हैं. आंसर है बॉडी सिग्नल्स हेल्प अस टू डिसाइड द राइट टाइम टू ईट प्रॉपरली. अगर हम सही समय पर भोजन करें, भोजन में हम अच्छे चीज़ों का उपयोग करें, हेल्दी फूड को खाएं, हरी सब्जियों को खाएं, तो हमारी बॉडी जो है उसी के अनुरूप क्या करेगी, कार्य करेगी. एंड प्रॉपरली अलॉन्ग विद प्रॉपर एंड द टाइमली न्यूट्रिशन. साथ ही साथ समय पर भोजन करने पर और सही भोजन करने पर हमारी बॉडी को उचित मात्रा में न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण मिलेगा टू कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. जिस वजह से हमारी बॉडी फिट और फाइन रहेगी. इस तरीके से सही समय पर भोजन करना साथ ही साथ भोजन में अच्छी चीजें खाना जो हेल्दी रहे शरीर के लिए वो खाने पर हम लोग प्रॉपरली फिट एंड फाइन रह सकते हैं. बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. वट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन वैन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम. क्या होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, दबाव बनाते हैं पढ़ाई का या किसी और काम का, तो बच्चों पर उसका क्या असर होता है. आंसर है बाय अंडर प्रेशर चिल्ड्रन कैन सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन. ज़्यादा दबाव पड़ने पर बच्चे उस दबाव को सहन नहीं कर पाते, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना या मानसिक रूप से थोड़ा सा मानसिक रूप से बच्चों में जो होती ना शक्ति वो कम हो जाना, चिड़चिड़ाहट से भर जाना एंड स्ट्रेस तनाव आ जाना. ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से बच्चे तनाव में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं. दे मे लीड टू द ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर. और बच्चों को अंत में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है. कुछ ना कुछ वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं ताकि उनका दिमाग जो रहे वो शांत रहे, जिसमें वो एल्कोहल सबसे पहले चूज करते हैं. इसलिए बच्चे जो होते हैं वो ड्रग का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं. एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन. और वो अपनी रियल सच्चाई से क्या होते हैं, छुप जाते हैं. इस तरीके से बच्चों पर ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा दबाव बनाने से बच्चे ड्रग का शिकार करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और स्ट्रेस भरा जीवन जो है वो जीने लगते हैं. अब बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें आपको 60 से 80 वर्ड्स के अंदर अपने आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डू द पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ. विकसित देशों में जो लोग हैं वो अच्छे हेल्थ को क्यों नहीं पा पाते, पॉजिटिव हेल्थ उन्हें क्यों नहीं मिलती है. आंसर है बिकॉज फैमिली टाइज अपीयर्स टू बी द वीकनिंग. क्योंकि विकसित देश में रहने वाले जो लोग हैं वो फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि फैमिली के साथ वो समय नहीं बिता पाते. इसलिए उनके फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं, जो बंधन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं. इसलिए वो अकेले रहते हैं. नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी जो होते हैं वो अजनबी बन जाते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में या देशों में एक दूसरे को लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता. एंड क्लोज एंड द हैप्पी ह्यूमन इंट्रैक्शंस आर बिकमिंग द लेस कॉमन. और मिलना जुलना, मेल मिलाप करना, बातचीत करना, ये सब भी बड़े शहरों में क्या होता है, देशों में कम हो जाता है. पीपल सफर फ्रॉम लॉनलीनेस. और इंसान को जो है वो क्या, अकेलेपन से सफ़र करना पड़ता है, अकेलेपन को महसूस करना पड़ता है. उसकी पूरी जिंदगी लॉनलीनेस में निकल जाती है, अकेलेपन में निकल जाती है. द सोशल फैक्टर्स डोंट लेट देम enjoy गुड हेल्थ. इसलिए सामाजिक जो तत्व है या सोशल फैक्टर जो है वो एक इंसान को विकसित देशों में प्रॉपर जीने नहीं देता है, उसे अच्छी हेल्थ नहीं मिलती. फिजिकली वो फिट हो सकते हैं लेकिन मेंटली रूप से परिवार से अलग रहने पर उन्हें वो प्यार अपनापन नहीं मिल पाता जो उन्हें चाहिए होता है. इस तरीके से वो अकेलेपन में ही जिंदगी बिता देते हैं. बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2. What problems are faced by people in developing countries in अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ. विकासशील देशों में लोगों को पॉजिटिव हेल्थ या अच्छा स्वास्थ्य ना मिलने के क्या क्या कारण है, किस वजह से वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते. आंसर है
पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम. विकासशील देशों में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का को फेस करना पड़ता है, लाइक एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, क्लीन एनवायरमेंट नहीं मिल पाता, ना ही उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है. विकासशील देश के लोग पैसा तो बहुत खर्च करते हैं लेकिन हेल्दी फूड खाने में पैसा खर्च नहीं करते, इसलिए उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं पहुंच पाती और वो अनहेल्दी हो जाते हैं. और इन दिस कंट्रीज आर लोअर, क्योंकि बड़े देशों के अंदर पैसा बहुत है लेकिन हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से लोग क्या है पोषण रहित हो जाते हैं और लोअर होना यही उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग पूरी तरीके से हेल्थी नहीं होते. द फिजिकल हेल्थ ऑफ पीपल इज पुअर, लोगों की शारीरिक हेल्थ जो है वो भी क्या है कमजोर है, या कह सकते हो वो भी बहुत ज्यादा कम है. दे डू नॉट हैव क्लीन एनवायरमेंट, तीसरा कारण है. विकासशील देशों में लोगों के पास क्लीन एनवायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा वो व्हीकल्स का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी वहां पर रहता है, जिस वजह से एनवायरमेंट भी प्रॉपर क्लीन ना होने की वजह से लोगों को प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रही. पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट देयर बॉडी, साथ ही लोगों को अपनी बॉडी का पूरा नॉलेज नहीं है, जिस वजह से भी उन्हें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द एनिमल्स कीप themselves फिट, जानवर अपना ख्याल किस प्रकार रखते हैं या जानवर कैसे तुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर, एनिमल ट्रस्ट ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स टू मेंटेन देयर हेल्थ, एनिमल खुद अपनी सहजवर्ती से अपनी बुद्धि से अपनी हेल्थ का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं. हालांकि वो बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी एनिमल्स में समझ होती है कि किस प्रकार से अपने शरीर का ख्याल रखा जाए. नेचर हैज गिवन देम पावर टू मेंटेन देयर बॉडी, हमारी नेचर में नेचुरली जानवर को भी एक पावर मिली है कि वो अपनी बॉडी का ख्याल खुद रख सके. एंड टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ, और जानवर खुद भी अपने हेल्थ को क्या करते हैं मेंटेन रख के करते हैं. द वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, लिक सॉइल, वो क्या करते हैं मिट्टी को चाटते हैं. जंगली जानवर मिट्टी को चाटते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा होती है. जितनी ज्यादा जानवरों को नमक की जरूरत होती है वो मिट्टी को लिक करते हैं, लिक करना मतलब होता है चाटना मिट्टी को, उससे मिट्टी में से नमक की मात्रा उनकी बॉडी में मिल जाती है जितनी उनकी बॉडी को जरूरत होती है. यही हमारा आंसर है, वो सॉइल को लिक करते हैं जानवर, एज दे गेट द एक्सेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ताकि उन्हें नमक की क्या मिल सके भरपूर मात्रा मिट्टी से प्राप्त हो सके. Their bodies need, जितनी उनकी बॉडी को आवश्यकता है. They eat only required amount of food, यहाँ पर of रहेगा, of food. जानवर उतना ही भोजन करते हैं जितनी उनकी शरीर को जरूरत होती है, एक्सेस भोजन वो नहीं करते. All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea. कुछ जानवरों की पेट संबंधित बीमारियां भी हो जाती है, जिस वजह से जैसे डायरिया होना, इनडाइजेशन हो जाना, जिसलिए उसको रोकने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो ईट में खाते क्या है ओनली ग्रास ही खाते हैं. जिस प्रकार से कभी हमारे पेट में प्रॉब्लम होती है तो उस रात हम हल्का भोजन करते हैं, वैसे ही जानवरों में भी ये समझ होती है कि अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, डायरिया वगैरह हो गया है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो उस समय ज्यादा हैवी भोजन नहीं खाते, सिंपल भोजन में घास खाते हैं जो कार्निवल्स एनिमल्स होते हैं. इस तरीके से द प्रॉब्लम्स ऑफ बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का होता है अपच, खाने का नहीं पचना, उसे इंडाइजेशन कहते हैं. अगर उनका खाना प्रॉपर नहीं पचता तो वो ज्यादा खाना नहीं खाते, सिर्फ घास खा के ही अपना काम चलाते हैं. इस तरीके से राइटर यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि एनिमल में भी हम इंसानों से ज्यादा समझ है अपने आप को फिट एंड फाइन रखने की. बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. How do the parents spoil the eating habits of the children? माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों की खाने पीने की आदतों को बिगाड़ रहे हैं? आंसर है, People try to feed their children more than their बॉडीज नीड. माता पिता लाड़ प्यार में अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा खिला देते हैं. जितने एक बच्चे की बॉडी को जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा ही मम्मी पापा जो होते हैं वो बच्चों को खिला देते हैं, जिस वजह से बच्चों की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ओबेसिटी में कन्वर्ट होने लगती है. बिकॉज They read some books and how much food children required. माता पिता कई बार किसी बुक में पढ़ लेते हैं या फिर किसी न्यूज चैनल पे देख लेते हैं कि बच्चों को एक दिन में कितना भोजन खाना चाहिए. उन्हें ये नहीं पता होता कि किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए. थोड़े अधूरे ज्ञान की वजह से वो बच्चों को बस खिलाते रहते हैं, जिस वजह से बच्चों के पेट संबंधित बीमारियां भी क्या होती है शुरू हो जाती है. सम पेरेंट्स गेट स्वेट बाय द मीडिया एडवर्टाइजमेंट, और कई पेरेंट्स तो विज्ञापन देखकर, न्यूज चैनल वगैरह देखकर, या कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखकर भी अपने बच्चों के लिए एक मेन्यू डिसाइड कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, जिस वजह से बच्चों की हैबिट जो होती है वो क्या होती है बदलने लगती है. बच्चों को खाना जो है वो प्रॉपर दें, हेल्दी खाना दें, टाइम
टाइम टू टाइम दे और थोड़ा थोड़ा करके दे ताकि बच्चों का खाना भी डाइजेस्ट हो सके और उन्हें भूख भी ना लगे. Thus the parents spoil the eating habits of the children. यही है कि ज़्यादा प्यार के चक्कर में बच्चों को जो है गलत आदतों में पेरेंट्स क्या कर देते हैं, डाल देते हैं या कह सकते हैं खाने पीने की आदतों को बिगाड़ देते हैं. आंसर जो है थोड़ा सा छोटा है, आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये आपको ही लिखकर मतलब अपने शब्दों में लिखकर इसको बताना है. बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5. हाउ कैन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट बी कीप्ड इन द बैलेंस. किस तरीके से हम विश्व के पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं. आंसर है वी शुड कीप कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सबसे पहले वर्ल्ड पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें पूरे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल. क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, बढ़ता जाएगा. तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना सबसे पहला फैक्टर है पर्यावरण को शुद्ध रखने का. वी मस्ट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग. साथ ही साथ हमें फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना चाहिए. बच्चों में 2 या 3 साल का अंतर रखना चाहिए और 2 से ज्यादा बच्चों को नहीं करना चाहिए. वी शुड कीप द वर्ल्ड एनवायरमेंट क्लीन. और हमें अपने वर्ल्ड को भी पूरी तरीके से साफ सुथरा और स्वच्छ बनाकर रखना चाहिए. पीपल ट्राई टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरमेंट. लोग कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से पर्यावरण को संतुलित रखा जाए. एंड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट. और इसके साथ साथ लोग कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को भी लगाते हैं. तो हम भी ये सब करके अपने पर्यावरण को संतुलित भी रख सकते हैं. इसके अलावा भी आप कुछ और फैक्टर्स को अपनाकर अपने पर्यावरण को संतुलित रख सकते हो. तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है. इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर की बेसिक समरी को पढ़ा, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए. आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. फिर भी अगर आपको कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन इससे पहले आपको ये देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जैसे आप करते आए हैं. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.